है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे एसएससी में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हम तीन टॉपिक यानी मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती की बात करेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा भी जो है हम इन तीनों को समझने वाले हैं। मध्यानुपाती का जो फॉर्मूला होता है रूट ए वी होता है और इसका एग्जाम्पल है 6 तथा 54 के बीच का मध्यानुपाती याद कीजिए। तो 6 और 54 दोनों का गुणा करके आपको वर्गमूल कर लेना, गुणा कितना हो रहा 324 और 324 का जो वर्गमूल है वो 18 हो जाएगा। तो 6 तथा 54 के बीच का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा 18। फिर तृतीयानुपाती की बात करते हैं तो तृतीयानुपाती में क्या हो जाएगा 16 तथा 24 का हमको तृतीयानुपाती निकालना है। तो 24 को जो है हमको बीच में दो बार लिखना है और फिर जो है लास्ट में एक्स लिखना है। लास्ट में एक्स और बी भी दो बार आ रहा है, ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं बी भी दो बार है। तो 24 को हमने दो बार लिख दिया है। अब इसमें आपको जो है एक्स का मान निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, बस आपको इतना याद रखना है, दोनों बाह्य पदों का गुणनफल बराबर दोनों मध्य पदों का गुणनफल। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ बाह्य पद कौन कौन से, 16 और एक्स, तो गुणा हो जाएगा 16x, और इधर हो जाएगी मध्य पद 24 और 24, तो दोनों का गुणा हो जाएगा। अब मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यही जो है हमको फॉर्मूला यूज़ करना है। एक्स का मान निकालेंगे तो 16 जो है वो भाग में चला जाएगा, 8 के पहाड़े में दो बार में, तीन बार में कट गए, दो के पहाड़े से 24 कट गए 12 बार में, 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 36, तो 36 जो है यहाँ पर तृतीयानुपाती हो जाएगा। 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती 36 हो जाएगा। अब चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हमको तीन संख्याएं दे रखी होती हैं, जैसे 12, 14, 24 का चतुर्थानुपाती निकालिए। तो इसमें क्या करते हैं, तीनों संख्याओं को तो पहले लिख देते हैं और फिर जो है चौथी संख्या के रूप में जो है एक्स को लिखते हैं हम। यानी इसी सवाल को इसी में सॉल्व कर लेते हैं, कोमा हटा के हम यहाँ अनुपात और फिर अनुपात समानुपात और फिर यहाँ पर दो जो है समानुपात लगेगा, फिर यहाँ 24:x। अब मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो मध्य सबसे पहले बाह्य पद ले लेते हैं, 12 और x का गुणा क्या हो जाएगा 12x बराबर मध्य पदों का गुणनफल 14:24। अब x का मान जो है निकालेंगे हम, तो 14:24 बटा हुआ 12, 12 के पहाड़े से कट गए 24 दो बार में, 14:2 कितने हो गए 28, 28 जो है इसका चतुर्थानुपाती आ गया है। 12, 14, 24 का चतुर्थानुपाती 28 जो है आ गया आंसर। और चतुर्थानुपाती को x के रूप में लिखते हैं, ये आपको पहले ही बता दिया है, तो आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल जो है आपको ये याद रखना है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से जो है आप मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती जो है निकाल सकते हैं, जो रेलवे और एसएससी में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।